मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को बेरोजगारी भत्ता योजना की चौथी किश्त के रूप में 1,22,625 हितग्राहियों के खातों में 31,71,00,000 रुपए की राशि का अंतरण किया। बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत अब तक 112 करोड़ रुपए से अधिक की राशि युवाओं के खाते में अंतरित की जा चुकी है। जय जोहार काका। जय जोहार काका, मोर नाम नेहा पटेल हरे, मोर पिताजी के नाम विजय पटेल हरे। मैं यहाँ कुर्सीपार भिलाई दुर्ग जिला से आया हूँ काका। पहली तो मैं आप मन के बहुत बहुत आभार हबो कि आप मन मोला यहाँ पे आए के अवसर दे हबो। मोला हर महीना बेरोजगारी भत्ता मिलते बो काका, और मोला जब से स्टार्ट हुए 3 महीना पूरा हो गया है। हाँ, ये चौथा महीना है रे। और जरिए से मोला भी टेक्नोटास कंपनी से ऑफर लेटर भी आए बे काका, ओखर लिए मैं आपके बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। बधाई। और आप मन मोल यहाँ आए के अवसर दे, ओखर ले भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार काका। जय जोहार। आप सबसे पहले आपके बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मैंने मुख्यमंत्री निवास में हमला आमंत्रित करे हो। सर, मोर नाम है सुमन कुमार छत्री, मोर पिताजी के नाम श्री मोहनलाल छत्री, मैं ग्राम डुंडेरा और जिला दुर्ग के निवासी हूँ। और मैं यहाँ लगभग 3 महीने से बेरोजगारी भत्ता लेता हूँ और अभी मोर जॉब लगभग बंगलोर में लगे है। तो मैं आपके माध्यम से सब जना आश्वस्त करना चाहता हूँ कि भूपेश ये तो भरोसा है और हमारे छत्री विधायक जी बैठे हैं तांडव साहू जी, जोकर मैं भी धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे डुंडेरा गाँव ला जो गाँव से आज शहर बना दिया, इतना काम करा है जो मैं बता नहीं सकता। मतलब आप डुंडेरा खुद आ सकते हो, एक बहुत अच्छा जगह है यहाँ। तो और मैं रविन्द्र चौबे जी जो हमारे कृषि मंत्री होकर स्वास्थ्य की भी कामना से कामना करता हूँ, क्योंकि बीच में अभी सुने रहे हूँ तो बहुत दुख हो रही है। और पूरा छत्तीसगढ़ कैबिनेट लग बहुत बहुत धन्यवाद जो ऐसा काम करे थे। अब आप अगर अच्छा काम करो तो आप आगे आते रहो, और बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत बधाई। अच्छा ये बता, बेंगलोर में लगे है जी सर, तनख्वाह मिली जी? सर अभी स्टार्टिंग में 6 महीना ट्रेनिंग है तो मैं 15,500 बोले हैं। ओकर बाद 20% में इंक्रीमेंट के साथ हमारे सैलरी बढ़ते रही। और एयरलाइंस वाला जॉब है सर, तो मैं मोर शुरू से एक सपना रिस्क की आगे जाऊं मैं करके। तो आपके बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुभकामना। उद्बोधन का लाभ दें और तालियों से स्वागत करें। बेरोजगारी भत्ता वितरण के गरिमा में एक कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारे प्रदेश के बहुत ही यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भाई भूपेश बघेल जी, हमारे कैबिनेट के बहुत ही वरिष्ठ मंत्री आदरणीय रविन्द्र चौबे जी, हमारे मंच में बैठे अधिकारीगण, उपस्थित हमारे नौजवान साथी मन, भाई बहनी मन, और पूरा प्रदेश के अलग अलग जिला में जुड़े हमारे जनप्रतिनिधिगण, हमारे अधिकारीगण और नौजवान साथी मन। बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ कहे की जरूरत नहीं है, काबर की हमारे नौजवान साथी मन ल पूरा जानकारी है और हर चीज के जानकारी जब आप लहे तो विस्तार दे के जरूरत नहीं है। एक बात साफ तौर पे आप के सामने स्पष्ट कर देना चाहतन, जिन बात की ओर अभी आदरणीय चौबे जी इशारा करीस, हमारे सरकार बने 5 साल बीते बर जात, माने 2-3 महीना अभी बांचे है, बीच में 1.5 साल कोरोना काल आगे, तो 3.5 साल हमारे कार्यकाल, और 3.5 साल में हमन 51 योजना हमारे मुख्यमंत्री जी बनाए हैं और मैं सबो वर्ग पर योजना बनाए हैं। हमारे मुखिया आपसे रूबरू होंगे इन पंक्तियों के साथ, आप भी साथ दीजिएगा। ये चमक सूरज की नहीं किरदार की है, ये खबर मेरी नहीं छत्तीसगढ़ के लाखों युवाओं के दिलों की अखबार की है। यूं ही नहीं चल पड़ा है ये कारवां, ये बात गुरूर की नहीं, आप पर भरोसे की है, आप पर एतबार की। आप है तो, आप है तो, आप है तो माननीय मुख्यमंत्री। युवा साथियों को नमस्कार, जय जोहार। आदरणीय महाराज साहब, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी और कृषि मंत्री और गृह मंत्री, पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री, संस्कृति मंत्री, धर्मस्व मंत्री आदरणीय ताम्रध्वज जी और आदरणीय रविन्द्र चौबे जी, जिनके पास पंचायत तो है ही, स्कूल शिक्षा है, सरकार है, उनको हर महीने 2,500 रुपया
की राशि मिल रही है। आदरणीय साथियों, 112 करोड़ 43 लाख रुपया सीधा ट्रांजैक्शन, नहीं तो पिछले समय पिछली सरकार में 15 साल में 98 करोड़ रुपया की राशि दी गई थी। 500 रुपया था, फिर 1100 हुआ, फिर उसे जनपद में या नगरी प्रशासन के कार्यालय में जाके आपको फॉर्म भरना होता था, अब ऑनलाइन है। फिर चेक लेने के लिए वहां जाना पड़ता था, उसकी जरूरत नहीं है, सबके खाते खुले हुए हैं, सीधा खाता में राशि पहुंच रहा है। तो बहुत सारी सुविधाएं अब टेक्नोलॉजी का लाभ लेते हुए सीधा हितग्राहियों के खाते में। आदरणीय साहब, जिसमें बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं लेकिन साथ साथ कौशल प्रशिक्षण के भी हम लोग काम हाथ में लिए हैं। सारे कलेक्टर लगे हैं, सारे विभाग के अधिकारी लगे हैं और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, ये अप्रैल से हम लोगों ने शुरू किया, 1,22,000 जब बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, 6,000 लोगों को अभी तक के हम लोगों ने रोजगार रोजगार से जोड़ दिए हैं। अभी बहुत सारे जो नौजवान बच्चे बच्चियां हैं सबको प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से उनको रोजगार मिला है, किसी को 10,000, किसी को 15,000, 17,000 रुपया वो कमाने लगेंगे। तो इसको और बढ़ावा देना है, इसके लिए भी हम लोगों ने हमारे यहाँ जो 300 से अधिक हमारे पास ITI है तो उसको अब आधुनिक तरीके से जो देश और दुनिया में नए नए टेक्नोलॉजी आ गया है उसको भी ट्रेनिंग देना है, उसके भी ट्रेड का पैसा भी लगे, निवेशक भी आए, लोगों को रोजगार मिले, रोजगार मूलक जितने कार्य हैं उसको हम लोग हाथ में ले रहे हैं। और आने वाले 5 सालों में हमारी कोशिश होगी कि 12 से 15 लाख लोगों को रोजगार हम दिला सके, हमारे युवाओं को, ये हमारी कोशिश होगी। तो आज बेरोजगारी भत्ता जिन साथियों को प्राप्त हुआ सबको बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी वाणी के विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत आभार। बहुत